हाँ मिल गया, मिल गया है। मिली, मिली, मिली। नहीं है, हाँ हाँ सांप है, देख गया, हमको दिखा सकते हैं। पूरा उछल रहा सामने, इधर से पूरा साफ हो चुका है। ए सांप 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 सांप, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। बोल रहे हैं बच्चा सब निकलो यार। रुको रुको, ये कौन सा प्रजाति है? हाँ देख लीजिए, एलईडी निकाल फट से, फट से इधर वाला से एलईडी निकाल। नाइस इधर नहीं, घूमेगा घूमेगा मारेगा। सॉलिड, अब ज्यादा मोमेंट मत करिए। कुछ बोल दीजिए, पीछे जाने दे। हाय दोस्तों, देख सकते हैं स्नेक रेस्क्यू का कॉल, जहां से हम इसे रेस्क्यू कर चुके हैं, और ये एक चिकन किलबैक है, और ज़्यादा नहीं, 3-4 माह का ये बच्चा होगा। काफ़ी उछल रहा है, काटने के लिए बाइट तैयार है। देखिए ये अभी फिलहाल नॉन वेनमस में आता है, ये इसी का एक प्रजाति है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा जहरीला हो चुका है, जिसके काटने से इंडिया में इलाज है नहीं, जिसके लिए इसे हाथ में लेने से हम डर रहते हैं कि कौन सा प्रजाति है, पहले पहचान कर ले उसके बाद इसे हाथ में लिया जाएगा। देखिए आइए सामने आइए, कैमरा सामने लाइए, दिखाइए चिकन किलबैक। इसके जो सर आपको दिखेगी एकदम ग्रीन और पूरे बॉडी ग्रीन टाइप दिखेगी, उसके बाद जैसे आपको चेक चेक घर नज़र आ रही है, देखिए पूरे बॉडी में इसका वही पैटर्न है, अंदर की ओर पीला और सफ़ेद पाया जाता है, अभी इसका तो पीला है पेट की ओर, और ये भागने के लिए और काटने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसे हम जंगल में छोड़ते हुए और भी कुछ बताएंगे, आप इसे वीडियो में अंत तक बने रहे और सांपों की जानकारी लीजिए। देखिए दोस्तों, इसे रेस्क्यू करने के बाद हम इस जंगल में आ चुके हैं, जहां इसे हम अच्छी तरह से छोड़ देंगे, जहां ये सांप अपने पर्यावरण में घूम फिर सके, रह सके। इसका घर ही ये पर्यावरण है, जंगल है, देख सकते हैं, जहाँ आ चुके हैं और इसे छोड़ देंगे। देखिए अब जो डबक का अंदर दिख रहा चिकन किलबैक, ठीक है, इसी का एक प्रजाति है बहुत, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो गर्दन जिसका लाल हो चुका है, जिसे हम रेड नेकेड किलबैक के नाम से जानते हैं। देखिए वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसका एंटी वेनम इंडिया में नहीं है, उसका जहर का दवा इंडिया में नहीं है, इसीलिए दोस्तों सांपों को जानकार बनिए, सांपों को जानकारी लीजिए, ताकि स्नेक बाइट से आप बचें, स्नेक बाइट से किसी के जान ना जाए। देखिए इसे अब हम जल्द से जल्द आपको बाहर निकाल के भी दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए, और आप जानकार बनिए, लोगों को जानकार बनाइए। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि ये बाइट बहुत ज़्यादा करता है। चलिए अब लगता तो बाइट अभी ना हो तो अच्छा बात है। चलिए देखिए दोस्तों, यही है चिकन किलबैक,
जिसको देख रहे हैं आप इसके जो पूरा गर्दन से लेके पूंछ तक, गर्दन से लेके पूंछ तक आपको ये चिकेट जो दिख रही है वो येलो में, ब्लैक में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद में आ रही है, देख सकते हैं। ये जिसके कारण इसे हम चिकेट किल बेक नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे हम ढोड़िया भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर स्नैक है। आपको ये हमेशा लेक, तालाब, रिवर के साइड में अक्सर मिल जाता है। कोई मछली पकड़ने जाता है तो जल्द से जल्द ये उसी के जाल में फंस जाता है और काफ़ी लोग डर भी जाते हैं, इसे जहरीला समझ गए। लेकिन दोस्तों ये जो नॉन वेनमस बिना जहर वाला होता है, इसका कोई जहर नहीं है, लेकिन इसका जो प्रजाति बता रहे हैं उसमें जहर पाया जाता है। इसका गर्दन यहाँ से लेकर यहाँ लाल हो जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, काफ़ी प्यारा सांप है, जो कि इसका एवरेज लेंथ है 2 फीट, जो कि एवरेज लेंथ इसका 2 फीट पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम इसका 5 फीट 9 इंच का पाया जाता है। मैक्सिमम इसका 5 से 6 बोल सकते हैं, 5 से 6 फीट पाया जाता है ये सांप। काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, देख सकते हैं आप इसे। ग्रीन डार्क येलो के डार्कनेस स्किन से कॉम्बिनेशन होता है। ग्रीन देख सकते हैं, इसका बॉडी ग्रीन है, बॉडी इसका ग्रीन येलो डार्क में आपको दिखेगी। देखिए इसका स्किन, और बहुत स्मूथ स्किन होता है। स्किल इसका रो स्किल है, देखिए ये खुलता है स्किन इसका, लेकिन ये बहुत फिसलन भरा, बहुत फिसलता है हाथों से, देखिए। ना जैसे दोस्तों बता रहे हैं कि एक मादा स्नेक, जो कि चिकेट किलबेक के जो मादा स्नेक होगा वो 30 से 90 अंडा देता है दिसंबर से जनवरी के बीच में, और काफ़ी प्यारा सांप वो बच्चा जो निकलता है, एडल्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एडल्ट होने के समय से लेके वो पूरा ख़तरनाक होता है, काटने के लिए माहिर होता है, उछलते रहता है काटने के लिए, कोई अगर देख ले उसको दौड़ाने लगता है। मतलब ये सांप थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा सांप होता है। अभी मेरे हाथ में है, जहाँ पकड़े वहाँ से थोड़ा ये नर्वस है, जिसके कारण अभी बाइट नहीं हो कर रहा है, लेकिन कर सकता है कभी भी। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बता रहे हैं, इसका जो आँख है वो डार्क और येलो ग्रीन में भी दिखेगी, देख सकते हैं आप सभी देख पा रहे हैं, और ये इसके आँख थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ था, गर्दन पतली और सिर को थोड़ा बड़ा दिखेगी आपको, दिखता है। देखिए जीभ हमेशा लपलपाते रहता है एक ढामन की तरह, और खतरा लगने पर गर्दन को मुड़ता है, छलांग लगाता है उसके ऊपर। देखिए ये हमेशा पानी के किनारे ही मिलेगा, रिवर साइड, लेक में, ठीक है, तालाब के किनारे, जहाँ ये अपना इसका पसंदीदा भोजन है, खाना जो खाता है वो है फिश, मछली होता है, मेढक होता है, छोटा छोटा टोड होता है, उसी को खाता है, और जिसके सहारे वो रहता है। ये अपने आप को करीब ये सांप अपना पानी के अंदर आधे घंटे तक सांस को रोक सकता है। देखिए एक सांप 15 से 20 मिनट तक, ठीक है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तक ही सांस रोक सकता है। एक अडल्ट सांप आधे घंटे तक जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसे हम यहाँ छोड़ने के लिए आ चुके हैं। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पानी वगैरह, जहाँ छोटा छोटा मछली और मेढक इसे मिल जाएगी, देख सकते हैं छोटा छोटा मछली और मेढक मिल जाएगी यहाँ खाने के लिए। और अपना बाकी का जीवन यहाँ बिता सकता है। देखिए इसके लिए ये जगह जन्नत है, बाकी के जीवन यहीं बिताए गए। और घूमने आइएगा तो इसे जैसे ही इसे हम उठाते हैं, उसके बाद इसे जैसे ही धूप में रखते हैं, तो आपको ये रेनबो टाइप कलर इसके चमकता हुआ दिखेगा। देखिए रेनबो टाइप, जान रहे हैं आपको ये दिख रहा है कि नहीं जान पा रहे हैं कि ये थोड़ा रेनबो टाइप ही दिखता है, धूप में चमकता है। देखिए चलिए दोस्तों, ज़्यादा इसे तंग ना करेंगे,
आपसे यही बोलेंगे, सांपों से जुड़ी जानकार लीजिए, मतलब सांपों की जानकारी लीजिए ताकि स्नेक बाइट ना हो, और आप जानकार बनिए, लोगों को जानकार बनिए ताकि स्नेक बाइट से किसी की जान ना जाए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपके शेयर से शायद किसी और का जान बचे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अब इसे जल्द से जल्द हम छोड़ देंगे, इसी जगह छोड़ देंगे। आइए चलिए, इसे एक काम करते हैं, यहाँ नहीं वहाँ छोड़ते हैं, आप सभी को अच्छी तरह से दिख आप सभी इसे अच्छी तरह से देख पाएंगे। आइए यहाँ पर, ये पानी जो है आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर चलते हुआ नज़र आएगा ये सांप। आइए, ये जगह थोड़ा खुला है, पानी भी है अच्छा। आइए सामने आइए और इसे देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ हम छोड़ रहे हैं इसे और ये अच्छी तरह से चला जाएगा। देखिए काफ़ी स्पीड जाता है ये पानी में, देखिए, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। वो वहाँ से निकल जाएगा और आगे जंगल में चला जाएगा। तो पानी डालते हैं, अब पता चलेगा। जाओ, देखिए दोस्तों, रेस्क्यू होने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ जंगल में, पानी की जगह, जो पानी वाटर स्नेक था जिसे पानी की जगह ही छोड़ दिया। छोटा छोटा मेंढक टोड को दिख रही है वीडियो में, वहाँ जहाँ इसे छोड़े वह मेंढक और छोटा छोटा टोड है, छोटा छोटा मछलियाँ हैं, जहाँ ये खा के बड़ा हो सकता है। बड़ा होने के बाद, एक एडल्ट सांप होने के बाद अपने इस पर्यावरण में, अपने घर में अच्छी तरह से रहेगा। दोस्तों यही बोलेंगे कि वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। ये दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत में कुछ खराबी है जिसके कारण अभी सोए हुए थे, जिसमें कॉल आ चुका आधे नींद से जगे, और रेस्क्यू करने के बाद यहाँ आ चुके हैं हम। मेरा बोली में आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा ही अटक रहे हैं हम, पानी क्या बोलते हैं, प्यास भी लगा हुआ, मुंह सूख गया है, और तबीयत के ख़राब होने की वजह से मूड ऑफ है, जिसके कारण वीडियो अच्छी तरह से नहीं बना पा रहा दोस्तों। चलिए, अगर वीडियो सच में आप सभी को पसंद आ रही हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों अंत में एक बात ज़रूर बोलेंगे कि दोस्तों, जितना भी हम जो सांपों को नॉलेज लिए हैं, और सांपों का नॉलेज आप सभी पूछते हैं कहाँ से लिए हैं, कैसे लिए हैं, ये छोड़िए, आप हम आपको ये बता स्नेक रेस्क्यू करते हैं तो ही आप सभी को दिखा पाते हैं। बोलना चाह रहे हैं कि अब हम जितने सांप है उस सभी का एक थ्रिकल एक एनिमेशन वीडियो बना के आप सभी के थ्रू लाएंगे, जिसमें आप सभी हर सांप को अच्छी तरह से जान सके। उसका हम पूरा A to Z बाय डेटा लेके हम आएंगे। अगर सांप नहीं मिलता है तो उनका, उस सांपों के बारे में आप सभी के थ्योरिकल, जिसमें एनिमेशन वीडियो कुछ हमारा रेस्क्यू किया हुआ वीडियो रहेगा, जिसमें जिसके माध्यम से आप सभी को सांप से जुड़ी हर जानकारी आप तक वीडियो में पहुंचती रहेगी। ऐसा होता है कि स्नेक मिलता है तभी आपको वीडियो बना के देना पड़ता है, अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अब स्नेक मिले या ना मिले, आप सभी को वीडियो हमेशा मिलती रहेगी, जहाँ जिसमें आप सभी देखेंगे कि उसमें आप सभी को जितना मेरा जानकारी है, जैसे हम सांप को जानते हैं उतना सांप आप भी जान पाएंगे, कौन कौन से सांप है, कौन कौन सी नए में है, कौन सी पुराने में, कौन सी खतरा है, किस में नहीं है, आप सभी जानेंगे, और मेरी तरह एक सांप की जानकार है, प्रॉपर सांप की जानकार बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप वीडियो में जल्दी बने रहें, और मतलब मेरे चैनल पर बने रहें, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे बोल रहे हैं, और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे भी बोल रहे हैं, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल पर बने रहें। ठीक है, अगर जानकारी पूर्वक लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर आप जानकार इस चैनल के माध्यम से लेते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कुछ ऐसा होगा कि जानकारी पूर्वक आपको ना लगे तो बताइए, और कोशिश करेंगे आप सभी को वीडियो जानकारी पूर्वक ही रहेगा, और हर सांप के बारे में आप जानकार बनिएगा, चलिए मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।